कहती है कि जब भगवान दिल से देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ये महिला जहां पहले एक भी बच्चे की मां नहीं बन पा रही थी, वहीं अब 3 बच्चों की अब ये महिला मां है। शहर के मॉडल टाउन स्थित नारायण दत्त अस्पताल में गोपाल कॉलोनी की एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। इसमें 2 मेल बेबी और 1 फीमेल बेबी है। एक साथ 3 बच्चों के जन्म से परिजनों में भी काफी खुशी है। इससे पहले महिला 3 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन तीनों बार मिसकैरेज हो गया था। अब महिला एक साथ 3 बच्चों को जन्म देकर मां बनी है। फिलहाल मां और तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। महिला को अल्ट्रासाउंड में पता लग गया था कि उसके पेट में 3 बच्चे पल रहे हैं। भाई खुशी तो बहुत है, खुशी तो मेरे साथ ज्यादा ना भाई मन्नत नहीं, मैंने ये कहा था भाई मेरे बच्चे सही सलामत दे दे भगवान हैं, और मैं इनकी सेवा करूँ, बस कोई मन्नत नहीं मेरी भगवान ने। जिस तरह पहले लड़कियों का गुजरी थी, मैंने ये कहा था भाई मेरी यह लड़की आ जाए भगवान, और मैं यह सेवा कर लूँ। मैं बहुत खुश हूँ भाई, खुश नहीं होंगे? कितना ज़्यादा खुश है? मैं बस कुछ कहा ही नहीं, जल्दी खुश तो इतनी हूँ। बर्फी है, बर्फी है, खुशी वो होता है सर। क्या काम करते हैं? मैं अकाउंटेंट हूँ। तो ये कैसे हिसाब लगा रहे? अल्ट्रासाउंड हुआ था ना, उसमें बताया था डॉक्टर ने 3 बेबी भी है। क्या महसूस कर रहे हैं आप 3 बच्चे होने के बाद? बस ठीक है जी। लोगों का एक बच्चा होता है बहुत खुशी होती है, आपको कितनी खुशी है? आप देख लो 3 गुना खुशी है जी। 3 गुना कैसे? देखभाल कैसे कर पाओगे? मम्मी रही, पापा रहे, भाई हैं, भाभी हैं, सारे हैं, पूरा परिवार, पूरा परिवार। अस्पताल की डॉक्टर अनुपमा कालरा और डॉक्टर शाविका मेहता ने बताया कि गोपाल कॉलोनी की पूजा पत्नी रणवीर की 3 साल पहले शादी हुई थी। वो 3 बार प्रेग्नेंट हुई, तीनों बार मिसकैरेज हो गया। पूजा का शुरुआत से अस्पताल में इलाज चल रहा था। पूजा को रविवार दोपहर को लेबर पेन होने पर अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल में उसकी सिजेरियन डिलीवरी कराई गई। दोनों जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। स्टार्टिंग से पता था कि जुड़वा बच्चे हैं, अल्ट्रासाउंड से भी कंफर्म हो चुका था ये चीज़ है ना कि जुड़वा ही बच्चे हैं। नॉर्मल नहीं, सिजेरियन हुए हैं क्योंकि बच्चा उल्टा था पहला, तो उल्टे बच्चे में तो वैसे ही रिस्क होता है कि सिर फंस ना जाए, तो फिर इनको पहले से ही बता चुके थे कि अगर उल्टा रहा तो ऑपरेशन सही होगा। तो इससे पहले भी जुड़वा बच्चे हुए? हाँ, जुड़वा तो काफ़ी होते रहते हैं, जुड़वा तो काफ़ी कॉमन है, ऐसी बात नहीं, होते रहते हुए हैं और नॉर्मल भी हुए हैं। तो जुड़वा बच्चे हुए हैं, इनके बारे में क्या? हाँ, जो ट्रिपलेट्स जो 3 बच्चे हैं वो तो इतना कॉमन नहीं है, ये सेकंड टाइम हुआ है मेरे मतलब कैरियर में। तो तीनों बच्चे जिनमें 2 लड़का और 1 लड़की है, तीनों स्वस्थ हैं, मदर स्वस्थ है और सिजेरियन से ही हुए हैं। तो इनके पहले भी इस तरह कोई बच्चे हैं? इनके इसकी पेशेंट की शादी को 3 साल हो चुके हैं और इस दौरान इसके 3 बच्चे खराब हो चुके हैं, अभी इसके 3 बच्चे हैं और तीनों स्वस्थ हैं। हाँ, ये तो है खुशी की बात। जब एक का सिंगल बेबी की डिलीवरी करने के लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, 3 बेबी थे, आप लोगों को उसको कितना मैनेज करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना स्ट्रगल? हाँ, ये 3 बच्चों में थोड़ी ये प्रॉब्लम आती है कि ये पूरा टाइम तक तो नहीं जा पाते क्योंकि पेट का खिंचाव इतना होता है कि इनको पेशेंट को पेन्स ही पहले स्टार्ट हो गए, तो अभी थोड़े से प्री टर्म है तो वो अंदर पीडियाट्रिशियन की केयर में एडमिटेड है। हाँ, तीनों बच्चे ठीक हैं, नीकू में है, नर्सरी में है तीनों बच्चे, बच्चे वाले डॉक्टर की निगरानी में ही है तीनों बच्चे, ठीक है। 3 बस वो एक साथ 3 फर्टिलाइज हो जाते हैं, एग्स तो 3 हो जाते हैं, जब एक टाइम पे 2 एग्स ओविलेशन में 2 एग्स राई पक जाते हैं तो फिर वो जो ये 3 बच्चे हुए हैं, इन्हीं महिला के पहले 3 बच्चे उनका लॉस हो चुका है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो भगवान ने एक ही बार में 3 दे दिए। फिर तो ये भी कुदरत का करिश्मा है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। पहले 3 बच्चे होके ख़त्म हो चुके हैं जी, गुजर चुके हैं, तो अब ये 3 बच्चे एक साथ हुए हैं। इन 3 बच्चों में 1 लड़की है और 2 लड़के हैं, और तीनों के वज़न 1 किलो 50 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो 700 ग्राम है। वेट ठीक है? वेट 1.5 किलो से ऊपर है दोनों तीनों का, ठीक है। तो वैसे तो नॉर्मल वेट 2.5 से 4 किलो होता है, तो LBW है, लो बर्थ वेट है बच्चों का। कितनी डिलीवरी करी हैं ऐसे जो ट्विंस हुई या? ट्विंस तो अक्सर करके होती रहती है, महीने में 1 या 2 ट्विन डिलीवरी हो जाती है।
बस जो ट्रिपलेट्स है ये अभी इस महीने में पहली बार ही हुआ है। फिलहाल तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। डॉक्टरों के अनुसार प्रति 1000 में 3 केस ऐसे आते हैं। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।